वेलकम बैक टू माई चैनल ओवेस रैंडम ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो आज बेहतरीन बेहतरीन वीडियो बनने वाली है। लास्ट टाइम आप लोग देखे होंगे, वन मंथ पहले मैं स्टोरी डाला था इंस्टाग्राम पे फॉर्मर्स की, तो आप लोग बहुत ज़्यादा मैसेजेस करे थे भाई कहाँ का फॉर्मर्स है, कौन सी वीडियो आने वाली है, भाई जल्दी बनाओ बोल के। तो एक डॉग का फॉर्मर्स है, आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे भाई डॉग्स के रिलेटेड वीडियो लेके आओ, सेल करने के लिए परचेज़ करना है हम लोग को डॉग्स पप्पी वगैरह। तो यहाँ पर बेहतरीन फॉर्मर्स पे आए। सबसे पहले आपका नेम सिद्धार्थ, यहाँ पर सिद्धार्थ भाई आप लोग को बताएंगे एरिया का नेम, आपके फॉर्मर्स का लोकेशन। ये नागौल के पास और 8 किलोमीटर अंदर रहता है। अच्छा, गांव का नाम है मरीपल्ली। गांव नेम मरीपल्ली? हाँ। ओके, आप लोग को वैसे तो एग्जैक्ट लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, यहाँ पर आने के लिए आप लोग को एग्जैक्ट लोकेशन से आ सकते हैं। कहाँ से? नागौल से 8 किलोमीटर अंदर है, गांव का नेम मरीपल्ली है गांव का नेम। आप लोग को जो है एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे डॉग्स है, जैसा कि आप लोग शुरू में इंट्रो में देखे होंगे बहुत सारे पप्पीज है और बहुत सारे डॉग्स है। तो अपने को पूरे वैरायटीज में अपने को पप्पीज भी मिल जाएंगे और बड़े भी मिल जाएंगे अपने को। नहीं, पहले हम पप्पीज सेल करते हैं। अच्छा, फर्स्ट क्या इधर फादर्स मदर्स भी रहते हैं, आप देख सकते हैं, वो पप्पीज को देख सकते हैं। ओके, वैसे रहता तो वैसे रहता। तो अपने को मेल फीमेल वगैरह पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। हाँ, और अपने को ब्रीडिंग के लिए भी ला सकते हैं अपने पास। या ब्रीडिंग के लिए भी यहाँ पर लेके आ सकते हैं आप लोग, और अपने को छोटे पप्पीज भी मिल जाएंगे और बड़े भी मिल जाएंगे। तो चलो आप लोग को मैं बताता हूँ अपने पास कौन सा वैरायटी है अभी डॉग्स में। हाँ, छोटे छोटे पूरे पप्पीज के। तो नेम के साथ पर आप लोग कंप्लीट बताने वाला हूँ। मैं चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहा, तो सब्सक्राइब करो और कमेंट करो आप लोग कैसे वीडियो सुना है, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करो तो लाइक करो। तो चलो शुरू करेंगे। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट पप्पी आ गए हमारे पास। तो इसका ब्रीड नेम बोलो फर्स्ट आप। इसका ब्रीड नेम है सिज्जू बोलते हैं। सिज्जू, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग बहुत ही प्यारा है डॉग। तो इसको अपन नॉर्मली कैसे रखना है, इसको अपन कहीं रखने के लिए? इसका क्या बोले तो कस्टमर्स क्या इंडिविजुअल रहते हैं और अपार्टमेंट्स रहते ना, ये छोटा okay. रहता okay. तो क्या आपको प्रॉब्लम नहीं रहता रखने के लिए? हाँ। और इसका हाइट भी इतना ही रहता है? हाँ, और क्या इतना हाइट रहता उसका? ओके, सिर्फ इतना हाँ। ही हाइट होता है। अभी ये लेंथ का रहता है। अच्छा, ओके। तो इसमें अपने को कलर्स भी मिल जाएंगे अवेलेबल? सिर्फ एक ही कलर में मिलते हैं, इसका ट्राई कलर बोलते हैं, एक वाइट और ब्राउन और ब्लैक कॉम्बिनेशन में आता, तीन ही कॉम्बिनेशन में मिलता है। ओके ओके, नेक्स्ट। और इसका बिहेवियर क्या बोले तो स्मूथ है। ओके, फ्रेंडली भी रहता। ओके ओके, सब घर के लोगों को क्या अच्छे से, अच्छा प्लेइंग करते रहता, अच्छे से प्लेइंग सबके साथ, अच्छा रहता। ओके ओके, नेक्स्ट। यहाँ पर हमारे पास सेकंड आगे कौन से ब्रीड है? ये जर्मन शेपर्ड है। ये वाले जर्मन शेपर्ड है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। तो ये ब्लैक एंड टैन कॉम्बिनेशन में आते हैं। ओके, तो इसमें और एक दूसरा कलर भी आता ना जो? हाँ, दूसरे कलर भी आते हैं रेगुलर, जो में रेगुलर का ब्रीडिंग क्या रहता है, इसमें ब्लैक एंड टैन कलर का है। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके। ये कितने डेज का है? अभी ये 45 डेज का है। 45 डेज का। और इसका बिहेवियर क्या बोलते, फ्रेंडली भी रहता है, सिक्योरिटी पर्पस भी अच्छा रहते, सिक्योरिटी पर गार्डिंग अच्छा करते। राइट, बेहतरीन। ये जर्मन शेपर्ड तो आप लोग को कैसा ही मालूम है 100% जो है सो तकरीबन लोग पालते जर्मन शेपर्ड, क्योंकि घर की देखभाल भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से करते हैं जर्मन शेपर्ड डॉग, और समझदार भी रहते और बहुत डेंजर भी रहते हैं। ओके, और इसका लाइफ स्पैन रहता है 10 to 15 years रहता। 10 to 15 years, ओके। और कुछ इसके बारे में डिटेल्स? हाँ राइट, पुलिस में भी ज्यादा ट्रेन करते हैं लोग को। ये जल्दी ट्रेनिंग सीखते हैं ना पूरा एकदम, और ट्रेनिंग बहुत समझदार रहता है। ओके, बहुत जल्दी ट्रेन हो जाते हैं ये डॉग्स। और इसको अपने को कितने डेज में लेके? ये भी 45 डेज के ऊपर ले सकते, 45 डेज के ऊपर ले सकते। और इसको खाने में क्या क्या दे सकते हम? पहले रॉयल केनल दे रहे। ओके, नहीं तो इसमें डिफरेंट ब्रांड्स भी रहते, पेडिग्री रॉयल केनल एनएनडी, वैसे अपने पसंद में वैसे करते। तो और अपने को इसको रखने के लिए कैसा? ये रखने नॉर्मली कैसे? नॉर्मल वैसे रख सकते हैं, नहीं तो इसका सेपरेट रूम भी रहे तो सेपरेट रूम भी रख सकते। अच्छा, ओके, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता इसको। ओके राइट, नेक्स्ट। उसके बाद? ओके, उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर और एक पप्पी आ गया हमारे पास। इसका नेम क्या है ब्रीड? इसका गोल्डन रिट्रीवर बोलते हैं। ओके, और इसमें 3 variations मिलते हैं आपको। अब देखे ना, ये लाइट गोल्ड है, लाइट में डार्क गोल्ड रहता है और इंग्लिश कलर भी रहते। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं दबा के खेलने में मस्ती में फुल प्लेइंग अच्छा है। हाँ, नो, इनका बिहेवियर बहुत फ्रेंडली रहता है। अच्छा, okay. और गाड़ी में वैसे अच्छा इससे करता है नो। हाँ, फैमिली के जैसे देखे तो इन्हें अच्छा रहता। अच्छा, ओके, okay. इसका नेम वगैरह कुछ रखते क्या आप लोग पप्पीज का यहाँ पर? नहीं, अपन परचेज करने के बाद अपने हिसाब से रख ले सकते। ओके, तो इसको खाने में इसके भी सेम पैटर्न रहता, पेटेगरीज वगैरह है। हाँ, और इसको रखने के लिए सेम, इसको भी क्या घर पे पाल सकते, नहीं तो इसका इंडिविजुअल रूम रखे तो भी। ओके, अच्छा। और डेंजर रहता क्या? नहीं, फ्रेंडली रहता। फ्रेंडली रहता,
फ्रेंडली रहता है और गार्डिंग भी लाइट में. ओके, ये कितने डेज का है? ये भी 45 डेज का है. क्या बात है, अपन इसको भी अपने को 45 डेज हुए बाद में परचेस कर सकते हैं. 40 डेज के ऊपर कौन से भी अपने को. इसमें कितने कलर्स मिलेंगे? इसमें 3 कलर्स मिलेंगे आपको. 3 कलर्स मिल जाएंगे यहाँ पर. अब एक आप देख रहे ना, इसमें लाइट ब्राउनिश आ रहे ना, ये माइल्ड गोल्ड बोलते हैं. और एक इंग्लिश कलर रहता और एक फुल गोल्ड रहता. अच्छा अच्छा. और अपने को ये ब्रीड्स के अलावा और पपीज भी मिल जाएंगे अपने. क्या और कितने कितने वैरायटीज आते हैं अपने पास पप्पी के? हमारे पास क्या सिजूस भी है. ओके, गोल्डन रिट्रीवर्स है, जर्मन शेपर्ड्स है, पिटबुल्स है, सेंट मानार्ड्स है. वैसे अलग अलग ब्रीड रहते हैं. रेगुलर ब्रीड से आप देखे ना, रेगुलर ब्रीड से क्या दूसरे ब्रीड से आए तो बुकिंग पे रहते. अच्छा, बुकिंग पे रहते हैं. ओके ओके, इतना टाइम पीरियड रहता. और अपने पास और क्या क्या है, पूरे डिटेल्स बताइए अपने यहाँ की सर्विसेज. हम क्या बोलते, पप्पी सेलिंग करते हैं. ओके, हमारे पास पेट बोर्डिंग का सर्विस भी है. आपका दिन को या दो दिन या एक वीक को कभी गांव या कभी वर्क पे गए तो आप इधर रख सकते. अच्छा, अगर कहीं अपन घर पे से अगर फंक्शन में जा रहे 2 हफ्ते के लिए तो यहाँ पर डॉग को अपने लाके सेफ रख के भी जा सकते हैं. और अपन ब्रीडिंग के लिए अपने डॉग को लेके भी आ सकते हैं. बहुत अच्छी सर्विस है यहाँ पर, देख सकते हैं आप लोग फार्मर्स की. आप लोग को पूरी कंप्लीट वीडियो बताया हमें कि किस तरीके से यहाँ पर देखभाल करते हैं डॉग्स की, बेहतरीन तरीके से यहाँ पर रखते हैं और प्लेइंग के लिए छोड़ते हैं लोग को, और फूड वगैरह सब पूरी उसकी देखभाल ये अच्छी तरीके से करते हैं. तो अपने डॉग को अपन ला के यहाँ पर रख भी सकते और ब्रीडिंग के लिए भी दे सकते, राइट? हाँ, बहुत ज़बरदस्त. ओके ओके, यहाँ पर पप्पीज तो अपन कवर कर लिए, अभी थोड़े बड़े डॉग्स भी देखेंगे. चलो तो यहाँ पर आप लोग को मैं लैब का जो सब पप्पी बताया था वही लैब है. यहाँ पर बड़ा डॉग है अंदर, तो काफ़ी सारे आप लोग को बताया, मैं शुरू में भी बताया, इंट्रो में भी बताया, बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही अंदर. इसके लिए एक डॉग को मैं यहाँ पर बाहर ला के आप लोग को बता रहा हूँ. यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है, कितना प्योर लैब है. ऐसा कुछ क्रॉस ब्रीड वगैरह नहीं रहती यहाँ पर फॉर्मर्स पे. आप लोग को पूरे यहाँ पर चेक करके लेके जा सकते हैं. जैसा कि अभी छोटा लैब का पप्पी बताया उसका ही है ना ये? हाँ. ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं. तो अभी कभी भी अपन परचेस करने के लिए आए तो आप लोग पूरा कंप्लीट डिटेल्स बता के करके और आपका फादर्स मदर दोनों. ओके, किस राइट राइट कौन सी ब्रीड है कौन सा है पूरा कंप्लीट बता के यहाँ पर लेके जा सकते हैं आप लोग. तो देख सकते हो ये कितने इयर्स का है ये? अभी ये 3 साल का है. ओके, यहाँ पर देख सकते हैं 3 इयर्स का है. यहाँ पर ये मेल है. आप लोग को फीमेल वगैरह भी यहाँ पर रहते, बट आप लोग को यहाँ पर सबसे बेस्ट बात बोलते अपने को सिर्फ यहाँ पर छोटे पप्पीज मिलेंगे. तो पप्पीज लेके जाके आप लोग उसको अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं, अपने तरीके से अपने फैमिलीज के साथ रख के अपने तरीके से पाल सकते हैं. तो अब यहाँ पर बड़े लेके गए तो आप उतना समझते नहीं, जितना छोटे जो से लेके गए तो आप लोग पाले तो जो से अच्छा रहता लोग. पर उसके बाद में और एक बड़ा डॉग आ गया. इसका पी पप्पी बताए ना अपन, राइट? इसका ब्रीड क्या बोले थे आप? अभी एक गोल्डन रिट्रीवर है. गोल्डन रिट्रीवर पप्पी है, वो लाइट गोल्ड है. अभी ये देखिए ना, फादर ना फुल गोल्ड है. ओके, तो ये कितने इयर्स का है? अभी ये भी 3 इयर्स का है. इसमें भी अपने को कलर्स वगैरह मिलेंगे? हाँ, इसमें 3 कलर्स बोले ना. हाँ, राइट, फुल गोल्ड एक है और पप्पी दिखा है वो माइल्ड गोल्ड है. इंग्लिश कलर रहता है, वो पूरा वाइट रहता. ओके ओके ओके, राइट. यहाँ पर देख सकते बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ा होने के बाद में ऐसा होता पूरा डॉग. आप लोग पप्पी तो देख लिए, पप्पी को बताने के बाद में आप लोग को बड़े डॉग्स भी इसलिए बता रहे कि पप्पी से आप लोग बड़े करने के बाद में कैसे दिखते, तो ऐसे दिखते थे पूरे क्या. ओके, तो यहाँ पर अब जर्मन शेपर्ड भी आ गए बाहर, जो कि आप लोग को इसका छोटा पप्पी बताए थे. उसका कलर थोड़ा अलग था, ये कलर अलग है. ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है. आप लोग को तो मालूम है जर्मन शेपर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जर्मन शेपर्ड डॉग, क्योंकि जर्मन शेपर्ड डॉग जो है सो ट्रेन बहुत ज़बरदस्त होते हैं और अच्छा सुनते हैं लोग बात, और ट्रेन भी बहुत जल्दी होते हैं, और जो है सो डेंजर भी रहते, घर की अच्छी देखभाल करते. तो आप इसको ट्रेन करे थे? हाँ, नॉर्मल बेसिक ट्रेनिंग दिया. अच्छा, ओके, बेसिक ट्रेनिंग है भी. सुनता कैसे स्टैंड वो सब पहले सुनते. अच्छा अच्छा, फुली ट्रेनिंग नहीं दिया. फुल ट्रेन नहीं हुआ, फुल ट्रेन भी कर सकते अपन छोटा लेने के बाद में फुल ट्रेन कर सकते. अभी तो ये बड़ा हो गया, ट्रेन करने में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन छोटे पप्पीज जो है जल्दी ट्रेन हो जाते. तो अपने पास के पप्पीज में कलर्स कौन से मिलेंगे? अभी पहले ब्लैक एंड टैन बोले ना पप्पी दिखाए, इसमें वेरिएशन रहता. इनो क्या रोल तो ऑरेंज ऊपर लाइट ऑरेंज होता. अच्छा, पहले हमारे पास ये 2 वेरिएशन है. ओके ओके, क्या बोलते, दोनों वेरिएशन में आता आपको. ओके, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग इसके पप्पीज भी अपने को मिल जाएंगे. अपने को मेल फीमेल भी मिलेंगे, बुकिंग करना पड़ेगा अपने को फर्स्ट? हाँ, पहले क्या बोले तो अवेलेबिलिटी, वैसे क्या बोले तो तब रहे तो आप आके देख के ले सकते. ओके, आपको थोड़ा टाइम क्या बोले तो बुकिंग पे रहते.
राइट अपने को यहाँ पर कभी भी आप लोग को डिटेल्स चाहिए वीडियोस के तो यहाँ पर इसके डॉग्स की तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर है फार्म हाउस का। ये फार्म हाउस नेम क्या बोले आप? JSS राइट। तो यहाँ पर आप लोग को कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप लोग वहाँ से जाके ले सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी अब मैं आप लोग को डॉग्स बताया इसके प्राइस वगैरह आप लोग को वीडियो में तो मैं कंफर्म नहीं करा क्योंकि प्राइस वगैरह आप लोग को जो है सो कॉन्टैक्ट पे ही आप लोग को मालूम होता हो। तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट करके आप लोग व्हाट्सएप पे जो है सो आप लोग को जो भी पप्पी पसंद आए उसकी स्क्रीन शॉट व्हाट्सएप पे सेंड करके आप लोग उसकी प्राइस पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग को जितने मैं वैराइटीज़ बताया उससे हट के भी अगर डॉग्स होना है तो वो भी अवेलेबल रहते भाई के पास, तो वो भी आप लोग जो है सो पूछ सकते व्हाट्सएप पे कौन सा डॉग आप लोग को चाहिए, तो उसका अगर आप लोग को पप्पी रहा तो वो भी पप्पी आप लोग को मिल जाता। तो यहाँ पर बहुत सारे हैं आप लोग को मैं अंदर लास्ट टाइम पे कवर करा थोड़े डॉग्स, तो बाहर निकाले नहीं हम लोग क्योंकि अभी नाइट का टाइम है, हम लोग के टाइमिंग के हिसाब से लोग को निकालते बाहर। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप लोग कंप्लीट मैं वैराइटीज बताया डॉग्स के, बड़े डॉग्स की बताया, पप्पीज भी बताया, पूरे कंप्लीट बता दिया और फार्मर्स भी बताया और आप लोग को पूरे फैसिलिटीज बताया यहाँ पर क्या क्या है, पूरा कंप्लीट बताया। तो और यहाँ पर सर से पूछेंगे अपने, आप कितने ईयर से ये फील्ड में है? 21 ईयर से स्टार्ट हो, 20 साल 21 ईयर से कंप्लीट यहाँ पर डॉग्स के आप ब्रीडिंग जो है सो सेल कर रहे हैं। आप परचेज भी करते हैं सिर्फ सेल करते हैं? ओनली सेल करते हैं। ओके, ओनली सेल करते हैं जर्मन शेपर्ड से, लैब से, जर्मन शेपर्ड लैब, गोल्डन रिट्रीवर, बीगल, सिजू, पूरा कंप्लीट अपने पास मिल जाएगा? हां कंप्लीट मिलेगा पूरे अपने को। इसमें सिर्फ पपीज वगैरह मिलेंगे ना, बड़े भी अपने को मिलेंगे? पपीज मिलेगा, बड़े बोले तो थोड़ा टाइम करना पड़ेगा, बुकिंग के हिसाब से रहता वो। ओके ओके, तो ज्यादा अपने पास फोकस पपीज पे? पपीज में फोकस करते हैं और बोर्डिंग भी है मेरे पास। अच्छा, बोर्डिंग भी 10 दिन जाना बोले तो मेरे पास रख के दे। राइट, जैसे कि आप लोग को मैं शुरू में बताया, जैसे कि अगर आप लोग कहीं फंक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग जो है सो लाके अपने डॉग को सेफ रख सकते हैं। आप लोग को जैसा कि बताया मैं अंदर पूरी फैसिलिटीज रखने की जो है सो बेहतरीन है, बेस्ट है। आप लोग का डॉग को जो है सो कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं होता। देखभाल जो है यहाँ पर करने के लिए बहुत सारे लोग हैं और अच्छे से यहाँ पर पेटेगरी वगैरह लोग के फूड टाइमिंग पे लोग को जो है सो बाहर निकालते और प्लेइंग के लिए ग्राउंड वगैरह सब कंप्लीट है यहाँ पर फॉर्मर्स में, बहुत ज़बरदस्त है। और आप तो 21 ईयर से कर रहे बोल तो फिर आप लोग तो समझ सकते कितना इसके बारे में नॉलेज रहता, तो बेस्ट है आपके पास ठंडा डॉग को। ओके, और जितने भी मैं बताया आप लोग को आइटम इसमें वैराइटीज डॉग्स में, जितने भी पपीज बताया, जिसके भी मैं प्राइजेस में किसके भी नहीं बताया मैं प्राइजेस, आप लोग जो है इसमें व्हाट्सएप पे जाके कंफर्म करना प्राइजेस। जो नंबर दिख रहा है आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है वो नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और लोकेशन आप लोग को एग्जैक्ट लोकेशन डिस्क्रिप्शन में है। और अपने फार्मर्स का नेम सर? JSS फार्म, JSS फार्म एंड केनल। राइट, मारीपल्ली बोल के गाँव में, गाँव से बाहर रहते हैं, नागल से 8 किलोमीटर अंदर है। राइट, जैसे कि आप लोग शुरू में भी बताया, तो अभी तक अगर लाइक नहीं करे चैनल पे, फर्स्ट टाइम आए तो लाइक करो और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को अच्छे से शेयर करो और कुछ भी अगर आप लोग को डॉग से रिलेटेड बात करना है तो सर को कांटेक्ट करो। बहुत बहुत ज़बरदस्त दिखा हुआ यहाँ पर शूट करके, क्योंकि इतने बहुत से शॉप्स पे गया मैं, पर्शियन कैट्स के भी गया था, यहाँ पर पर्शियन कैट्स भी अवेलेबल है अपने पास, उसकी वीडियो एक नेक्स्ट आएंगी पर्शियन कैट्स से और रैबिट्स से और लॉबर्ट्स वगैरह है, वो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे आप लोग को। अभी तो सिर्फ मैं डॉग को कवर करा, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।